Good morning to all the trainees, all the trainees, real ed, first year, real ed, session 2020, session 2022, आज हम लोग English as a global language के बारे में करेंगे. चर्चा करेंगे. ग्लोबल शब्द जो है इसको हिंदी में कहते हैं, ग्लोबल शब्द जो है इसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक. आज जो है पूरा विश्व है, आज जो है पूरा विश्व है वह एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है. द फैक्ट दैट डिफरेंट कल्चर्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड आर बिकमिंग कनेक्टेड एंड सिमिलर टू वन अनदर एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी इंप्रूव्ड एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव्ड इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. इट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. लेट अस सी एंड activity. There is a conversation between Shilpa and Shweta. Importance of English in today's world. Shilpa kahti hai. Could you tell me why there is so much craze about learning English? अंग्रेजी सीखने के लिए इतना अंग्रेजी सीखने के लिए क्रेज इतना बढ़ रहा है. श्वेता बताती है बढ़ रहा है. वन रीजन फॉर दिस क्रेज बताती है इज दैट कनेक्ट पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज पीपल अक्रॉस इंडिया एंड अनदर रीजन कुड बी दैट अनदर इट वेरी ऑफन हेल्प यू टू गेट इट जॉब वेरी ऑफन हेल्प यू इसमें आप लगते हैं एक आप रखते हैं क्रेज बढ़ने का एक कारण यह है भारत के विभिन्न भाषा भारत के विभिन्न भाषा के विभिन्न भाषा भाषा और विदेश के विभिन्न भाषा भाषा जोड़ को एक दूसरे से पहला उसका कारण बताती है. दूसरा कारण बताती है जॉब किया नवयुवकों को जॉब प्राप्त करने में भी अंग्रेजी प्राप्त करने में भी श्वेता यू अपीयर टू बी राइट और भी अधिक हो सकते हैं. यू नो विद द कमिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया जानते हो कि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के बाद मोर एंड मोर एजुकेटेड यूथ आर गेटिंग लक्रेटिव जॉब्स देयर हमारे जो यूथ में युवा वर्ग हमारे जो यूथ वे अधिक से अधिक जॉब प्राप्त वे अधिक से अधिक वो भी आकर्षक प्राप्त कर रहे हैं वो भी आकर्षक जॉब. यू मे हैव नोटिस्ड इन फैक्ट यू मे हैव नोटिस्ड वास्तव में शायद आपने देखा होगा Talented young people are not suited in English, are deprived of the high position. प्रतिभाशाली छात्र ऐसे हैं अच्छा नहीं होने के कारण अंग्रेजी में अच्छा नहीं होने के कारण पोजीशन से इन हाई पोजीशन से दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सेवरल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव मशरूम्ड ओवर द इयर्स क्लेम टू डेवलप इंग्लिश especially in the oral यह उन कारणों में है जिसके कारण हम आज देख रहे हैं मशरूम कहते हैं गोबर छत्ता के समान स्कूल और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल और चारों ओर हर कॉर्नर पर सभी खुलते जा रहे हैं क्लेम करते हैं और सभी इंग्लिश में कॉम्पिटेंट खासकर जो ओरल स्पीक है ना खासकर जो ओरल कहती है यस यू आर राइट शिल्पा कहती है यस यू आर राइट श्वेता नॉट ओनली दिस श्वेता नॉट ओनली दिस
इंग्लिश जो है आ रहा है एक इंग्लिश जो है में ही उनको एक खिड़की के रूप में ही उनको सुविधा नहीं देती है बल्कि संसार को सभी प्रकार के नॉलेज प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के नॉलेज प्राप्त करने के लिए उतनी उन्हें पहुंच देती उतनी अभी जो है जितने भी अभी जो है जितने भी हाई इंस्टीट्यूशन है जितने भी टेक्निकल जितने भी टेक्निकल बुक्स हैं इंस्टीट्यूशंस हैं टेक्निकल बुक्स दे आर ऑल इन इंग्लिश मीडियम दे आर ऑल इन सब अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम ये सब अंग्रेजी मीडियम यू परहैप्स नो द लेटेस्ट बुक्स ऑन एनी सब्जेक्ट आर अवेलेबल मोस्टली ऑन एनी सब्जेक्ट आर अवेलेबल जितने भी आप स्टैंडर्ड बुक्स हैं बहुत सारी पुस्तकें हिंदी में भी आ रही है राइट ठीक ठीक करते बट लार्ज नंबर ऑफ राइट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस हैव बीन बहुत सी पुस्तकें जो अन्य भाषाओं से अनुवाद की गई हैं वे अंग्रेजी में इन एडिशन टू दिस इसके अलावे इन लार्ज नंबर ऑफ इसके अलावे लार्ज नंबर ऑफ पब्लिकेशन बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स बहुत सारे प्रकाशन स्टैंडर्ड बुक्स ओनली प्रकाशन आजकल भी जो है स्टैंडर्ड आजकल भी जो है वे अंग्रेजी में ही है ऑप्शन जो है वे अंग्रेजी में है दिस परहैप्स इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दिस परहैप्स इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट सच्चाई के कारण है उस दैट इंग्लिश है सच्चाई के कारण है दैट इंग्लिश है द लैंग्वेज ऑफ पावर बोथ हैज वन द मेजर एकेडमिक एक्टिविटी एंड मेजर एकेडमिक एक्टिविटी अराउंड फीडबैक हमको क्या मिलता है भविष्य फीडबैक हमको क्या मिलता है कन्वर्सेशन बिटवीन शिल्पा एंड श्वेता कन्वर्सेशन बिटवीन शिल्पा एंड श्वेता अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश एज And the boundaries between nations have gradually begun to disappear, and the world is becoming like one big. And the world is becoming like one big. Yes, Shweta और Shilpa के बीच में जो conversation है, यह हमें बहुत अच्छी जानकारी देता है, बहुत अच्छी जानकारी देता है, आज के English characters को दिखाने के लिए, English characters को दिखाने के लिए, संसार के सभी राष्ट्रों के बीच की boundary, सभी राष्ट्रों के बीच की boundary. धीरे धीरे एंड द वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक वन बिग सिटी एंड द वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक वन बिग सिटी बड़े नगर संसार जो है बड़े वी मे से दैट विद द डेवलपमेंट वी मे से दैट टेक्नोलॉजी द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के विकास के कारण टेक्नोलॉजी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के विकास के वेरियस फील्ड सच एज सेल फोन इन वेरियस थिंग्स सच एज सेल फोन एंड द इंटरनेशनल And English has emerged as a powerful tool of communication, business, transaction, and language of power. Transaction and language of power. So, we are seeing that today, we are seeing that today, या इंटरनेट हो या इंटरनेट हो ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन जो है ज्ञान के इंग्लिश जो है शक्तिशाली औजार ज्ञान के शक्तिशाली औजार के रूप में बिजनेस का मामला हो बिजनेस का मामला हो ट्रांजेक्शन का लेन देन का मामला हो ट्रांजेक्शन का लेन देन का मामला हो या लैंग्वेज की शक्ति का मामला लैंग्वेज की इन माइंड हम लोग इसको वी कैन कीप इन माइंड रख सकते हैं द फॉलोइंग फैक्ट्स इन माइंड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इन माइंड इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन द एज ऑफ पहला है नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन अंग्रेजी का ज्ञान उच्च अंग्रेजी का ज्ञान उच्च इम्पोर्टेंस अध्ययन के लिए दूसरा इसका इम्पोर्टेंस है इंग्लिश में होना एफिशिएंट है और तीसरा है एज द इम्पोर्टेंस ऑफ तीसरा है एज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रैपिडली है इनकी आज रैपिडली विश्व व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है बहुत गवर्नमेंट्स एंड कंपनी है
गवर्नमेंट से कंसर्न अबाउट अप्लाइड स्किल स्किल्स कंसर्न अबाउट अप्लाइड स्किल्स आजकल जो है गवर्नमेंट अप्लाइड स्किल्स में भी और कंपनियों में भी अंग्रेजी के स्किल कंपनियों में भी अंग्रेजी के पढ़ रही है इन अप्लाई के लिए पढ़ रही है इन हैवी के लिए स्किल्स देयरफॉर हैवी इंग्लिश स्किल्स स्टैंडर्ड ऑफ अवार्ड बिकम स्टैंडर्ड ऑफ अवार्डिंग प्रमोशंस एंड सैलरी की जानकारी इंग्लिश स्किल की जानकारी अच्छे वेतन के लिए प्रमोशन के लिए अच्छे वेतन के लिए प्रमोशन के लिए इंग्लिश स्किल इज कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर इंटरिंग बेटर स्कूल्स एंड अच्छे अच्छे विद्यालयों में अच्छे अच्छे और बेहतर विद्यालयों में और बेहतर विश्वविद्यालयों में जरूरत है अंग्रेजी के स्किल की मेनी अलाइड स्कूल्स and prestigious universities require a student to have good English skills. Prominent, बहुत prominent school और ख्याति प्राप्त school और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी है जिनके उन छात्रों का सकता है जिनके पास अंग्रेजी competency skill है of English competency in English और proficiency in English for example होना चाहिए उदाहरण के लिए for example give additional Some universities give additional grades to people who have high grades on global English proficiency test. कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अतिरिक्त ग्रेड देते हैं उन लोगों को ग्लोबल इंग्लिश जिनके पास ग्लोबल इंग्लिश है निपुणता है प्रोफिशिएंसी है निपुणता है जैसे टॉफल आईएलटीएस एटसेट्रा अब कंसीडर One more activity. Consider Meena and Sneha. Meena and Sneha. Both have Meena और Sneha दोनों Meena और Sneha दोनों अपनी बहनें. Both have MBA degree. Both have दोनों को MBA की degree है. दोनों को MBA की degree है. They are very good students. They are very good students. Meena can speak English very fluently. Meena can speak English very fluently. बिना अंग्रेजी हारा प्रवाह बट बोल सकती है हारा प्रवाह बट बोल सकती है स्नेहा इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल लेकिन कन्वर्स स्नेहा जो है लेकिन अंग्रेजी बोलने स्नेहा जो है अंग्रेजी बोलने में उतना आरामदायक दे बोथ हैव रिसीव्ड कॉल लेटर दे बोथ हैव रिसीव्ड कॉल लेटर कंपनी फ्रॉम ए रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी कॉल लेटर दोनों को एक कॉल लेटर मिला है बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी मीना बट मीना हर सिलेक्शन लेटर गेट्स हर सिलेक्शन लेटर एंड स्नेहा एंड डायनॉट स्नेहा डायनॉट गेट लेकिन मीना को लेकिन मीना को लेकिन चयन पत्र मिल जाता है स्नेहा को नहीं मिलता है लेकिन स्नेहा को नहीं मिलता है हाई डू यू थिंक मै डू बेटर इन द इंटरव्यू एंड मै डू बेटर इन द इंटरव्यू एंड आप सोच सकते हैं यू कैन थिंक अब आप सोच सकते हैं यू कैन थिंक दैट व्हाई मीना सेलेक्टेड गॉट इन द सेम मल्टीनेशनल कंपनी इन द सेम मल्टीनेशनल कंपनी एंड स्नेहा डिड नॉट गेट हर अपॉइंटमेंट लेटर डिड नॉट गेट हर रीजन इज ऑब्वियस एक क्वेश्चन छोड़ा गया यूनिट टू कल हमने यूनिट टू थैंक यू
थैंक यू।